वीडियो को अंत तक देखें, अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज के वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक और वीडियो आपके सामने है जो कि आपके परीक्षाओं में हेल्प करेगा, इसीलिए इसको टू द पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा जो प्रयास है वो ये है कि आप किसी भी टॉपिक को समझ सकें, ठीक है, उसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी उन चीज़ों को समझें जो कि आपको एकदम नहीं समझ में आता, ठीक है। अगर वो चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपने सीख गए तो आप अपने से भी पढ़ सकते हो। तो उसी को ध्यान रखते हुए अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे, जिसको इनसाइड आवर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा अर्थ है या पृथ्वी है वो एक डायनेमिक ग्रह है और लगातार उसमें चेंजेज होते रहते हैं, चाहे वो अंदर की बात करें चाहे ओशियन लेवल पर बात करें। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मैंने क्या किया है कि एक स्मॉल कट लिया है। अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो उसी से स्मॉल कट लेकर के इसको यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बनाया, जिसको मैंने यहाँ पे एक पार्ट और यहाँ पे दो पार्ट करने की कोशिश की है। इसीलिए यहाँ पे 1, 2, 3 तीन पार्ट में ये आपका डिवाइड हो गया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये भी सेकेंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्रस्ट बोलते हैं, यहाँ जैसे दिखाया जा रहा है। उसका सेकेंड जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, उसको बोलते हैं मेंटल या मेंटल, जो भी बोलना चाहें। लास्ट पार्ट या फिर जो सबसे आंतरिक संरचना होती है, इसको कोर बोलते हैं। अब इन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो क्रस्ट होता है, जो सबसे ऊपरी परत होता है, तो ये एक सबसे ऊपरी परत होता है और ये सबसे पतला होता है। और इसका जो डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये मात्र क्या होता है, 35 किलोमीटर का होता है, ठीक है। अब क्या समझते हैं कि ये 5 किलोमीटर, ये जो 5 किलोमीटर है उसमें केवल कॉन्टिनेंटल मास पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल मास से संबंधित ये है कि जो हमारे समुद्री होते हैं, ओशियनिटिक फ्लोर की बात करेंगे, जहाँ हमारे समुद्र होते हैं, जो हमारे महाद्वीप होते हैं, तो उनके जो भूमि पाई जाती है वो, उसका जो डिस्टेंस पाया जाता है उसको 5 किलोमीटर तक ही हम मानते हैं, इस 5 किलोमीटर तक, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सिलिका पाया जाता है, अल्यूमिनियम पाया जाता है, और सिलिकम एल्यूमिनियम को सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? सियाल। इसको आप ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, इसको सियाल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आपका ओशियनेटिक क्रस्ट पाए जाते हैं। तो ओशियनेटिक क्रस्ट जो होता है उसमें सिलिकन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तो आप कहोगे मिनरल, तो मिनरल जहाँ पे आप 5 किलोमीटर तक देखेंगे, कॉन्टिनेंटल मास तक देखेंगे, तो वहाँ पे सिलिका और अलुमिनिया, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए उसको सियाल क्रस्ट बोलते हैं। जबकि ओशियनेटिक क्रस्ट की बात करेंगे तो उसमें सिलिकन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसीलिए इसको सीमा बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्रस्ट वाला पोर्शन समझ में आ गया हो। कई बार आपसे पूछता है कि जो क्रस्ट होता है, ऊपरी क्रस्ट होता है, उसको और किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखेंगे सिलिका एल्यूमिनियम से सियाल, और उसके बाद ओशियनेटिक क्रस्ट से आपका सिलिकन प्लस मैग्नीशियम का सीमा बन जाता है। अब ये जो मेंटल है, जो सेकेंड पार्ट है आपका, तो ये 2900 किलोमीटर तक फैला होता है। 2900 किलोमीटर से मेरा मतलब यह है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो आपका 2900 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब ये 2900 किलोमीटर जो आपका यहाँ पे है, तो उसमें जो आपका मेंटल है उसमें 2900 किलोमीटर तक फैला होता है। अब तीसरा जो पोर्शन होता है वो है आपका कोर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कोर। तो सबसे इनर पार्ट जो होता है वो आपका 3500 किलोमीटर डेप्थ तक दिखाई देता है, और इसमें निकिल और आयरन, ये दो चीज़ें भाई दिखाई देती हैं। और इसीलिए निकिल और आयरन को निकिल और एफी, एफी मतलब होता है फेरस फेरिक, ये आयरन आयरन का ही जो है आपका लेटिन नेम है। तो अब आयरन का फेरम होता है और फेरम से ही फेरस बनता है, फेरिक बनता है, वो आपका आयरन की वैलेंसी के हिसाब से बनता है। तो नीफे के नाम से भी जानते हैं आपका जो कोर क्रस्ट पाया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर निकिल और फेरस ही होता है, आयरन होता है। अब इसमें सबसे इनर पार्ट होता है, ये 3500 किलोमीटर की इसकी डेप्थ होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे लोअर लेवल पे आपका यहाँ पे दिखाई देता है, तो इसकी जो डेप्थ की बात करेंगे तो वो आपका 3500 किलोमीटर तक दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि ये तो कोर हो गया, इसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ही आपका ये कोर क्रिएट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, और इसको नीफे के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो जिस टाइप का मिनरल पाया जाता है उसको नीफे बोलते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं रॉक और मिनरल्स में। तो देखिए, रॉक और मिनरल को समझेंगे पहले, रॉक क्या होता है, चट्टाने क्या होती हैं, इसको सैल कहते हैं हिंदी में या चट्टाने कहते हैं। तो चट्टान का मतलब क्या होता है, जो हम जनरली समझते हैं क्या वही चट्टान होता है? तो यहाँ पे समझिएगा कि जहाँ पे नेचुरल मास जो है क्रस्ट पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया, रॉक्स को 3 टाइप्स में। एक आपका इग्नीशियस रॉक हो गया, ये क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटने से जो मैग्मा निकलता है, जब वो आपका धीरे धीरे कूल होता है, ठंडा होता है,
उससे जो चट्टानें बनती हैं, उससे जो आपका लेयर बनता है उसको रॉक बोलते हैं। और वो किस टाइप का रॉक होता है? वो इग्नीशियस रॉक होता है। दूसरा आपका सेडिमेंटरी रॉक होता है। इसमें क्या होता है कि इग्नीशियस रॉक अगर टूटता फूटता है, वो क्या कहीं जा करके जमा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है। तीसरा आपका होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या है कि जब दोनों चट्टानों पर हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जिस तरीके का रॉक यहाँ पे हमको दिखाई देता है, वो आपका मेटामॉर्फिक होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मिनरल्स पे। मिनरल्स को यहाँ पे टू द पॉइंट में पढ़ने की कोशिश करूँगा। मिनरल के बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, केवल हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इनर साइड ऑफ अर्थ के बारे में यहाँ पे समझ रहे हैं। तो मिनरल में अब बात करेंगे, तो नेचुरली ये क्या होता है कि ये पाए जाते हैं मिनरल्स, जो कि अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आयरन हो गया, एलुमिनियम हो गया। तो हमारे दुनिया में आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें मिनरल का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमारे देश के डेवलपमेंट में, हमारे वर्ल्ड के डेवलपमेंट में मिनरल्स एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं। इसीलिए मिनरल्स रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक अलग टॉपिक होता है, उसको किसी दिन हम समझाएंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक, जो कि इनर आर इनसाइड ऑफ अर्थ है, उसको आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।